बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कायम मकाम सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पार्टी के मरकजी सूबाई अहदेदारान, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अराकीन जनरल कौंसल, चारों सूबों से खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अराकीन जनरल कौंसल, मैं पार्टी के सदर के इलेक्शन से मुतल्लक जो प्रोसीजर जो कार्रवाई हुई है वो आपकी तायीद आपकी मंजूरी के लिए आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ अराकीन जनरल कौंसल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 11 मई 2024 को पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफ़ा में मुस्तफ़ी होने की वजह बयान फरमाते हुए ये तहरीर किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2017 में एक साजिश के तहत पार्टी की सदारत से अलहदा किया गया, उन पर खिलाफ़े कानून व आइन झूठे मुकदमात बनाए गए और गैर कानूनी तरीके से उन्हें नाअहल करार दिया गया। अब जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तमाम जाली और नाजायज़ मुकदमात अपने अंजाम को पहुँचे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल्लाह के फजल से सरखरू ठहरे हैं। लिहाजा पार्टी कारकुनान और मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये अमानत जो मेरे पास थी मैं उसे दोबारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सुपुर्द करूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आइन की शिक 15 के तहत इस्तीफ़ा मौसूल होने पे सेक्रेटरी जनरल चौधरी एस एन इकबाल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मजलिस आमला सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास 18 मई 2024 को मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में तलब फरमाया। अजलास में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा मंजूर किया गया और इस्तीफ़ा मंजूर करने के साथ उन्हें ये इस्तदा की गई कि नए सदर के इंतखाब तक वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें और नए सदर के इंतखाब के लिए आज मुरखा 28 मई 2024 को मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास तलब किया गया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के अजलास मुरकदा 18 मई में इलेक्शन के प्रोसीजर को सरंजाम देने के लिए मजलिस आमला ने इलेक्शन कमीशन का तकरर फरमाया, जिसमें मेरे साथ इकबाल जफर जगड़ा साहब को बतौर मेंबर, बेगम इशरत अशरफ साहबा बतौर मेंबर, जमाल शाह काकड़ बतौर मेंबर और खेल दास कोहस्तानी साहब बतौर मेंबर 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकर्रर किया।
इलेक्शन कमीशन ने अपने अजलास मुनक़दा 28 मई 2024 को इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 27 मई 2024 और 28 मई आज दिन 12 बजे तक कागजात नामजदगी जो है वो मौसूल करने का टाइम रखा गया था। मुकर्रर वक्त तक 10 नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो मौसूल हुए। इन कागजात नामजदगी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर उम्मीदवार नामजद किया गया है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हुई और तमाम कागजात के नामजदगी को जाब्ते के मुताबिक पाया गया और दुरुस्त करार दिया गया। दर्ज बाला सूरत हाल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहद उम्मीदवार हैं जिनके कागजात मौसूल और मंजूर हुए। मुअज़्ज़ज़ अराकीन जनरल कौंसल, मैं इलेक्शन की इस कार्रवाई को इन अल्फाज में आपके सामने तायीद और मंजूरी के लिए पेश करता हूँ। जी सुने ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जनरल कौंसिल का ये इजलास इलेक्शन कार्रवाई, इलेक्शन का अमल जो आइन की शिक 15 और 120 ए और 121 के तहत अमल में लाया गया है, जिसकी मुकम्मल तईद और मंजूरी देते हुए आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें।